दोस्तों आज की वीडियो में सभी मूवी बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों जिसको भी ऐसी मूवी पसंद है जिसमें इंसानी सभ्यता किसी न किसी नेचुरल तबाही से खत्म होने वाली होती है या डायरेक्ट कहें डिजास्टर मूवी, तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको साइंस में दिलचस्पी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसमें मैंने कुछ चुनिंदा बेस्ट डिजास्टर मूवी को सिलेक्ट किया है और मुझे पूरा यकीन है कि ये मूवी आपको बेहद पसंद आएगी। मूवी नंबर 5, मूनफॉल। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया साईफाई डिजास्टर मूवी है। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी बहुत ही स्पेशल है। दोस्तों इस मूवी में देखने लायक बहुत कुछ है और आपने इसके जैसी आज तक कोई मूवी नहीं देखी होगी। दोस्तों इसकी स्टोरी ट्रेलर बेस पर बताता हूँ। दोस्तों इस मूवी के हिसाब से हमारी पृथ्वी पर इंसानी सभ्यता पैदा होने से पहले और ग्रह बनने से भी पहले इंसान किसी दूसरी गैलेक्सी में रहता था और वहाँ के इंसानों ने बहुत तरक्की की थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता था कि उनकी पूरी सभ्यता नष्ट हो जाती थी। फिर जब लाखों करोड़ों साल बाद फिर हमारे इन इंसानों का अस्तित्व आता है और जब हम तरक्की करते हैं और अपने कुछ मिशन चंद्रमा की सतह पर लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि उसका सीधा कनेक्शन पहले मिट चुकी इंसानी सभ्यता से होता है। अब वो कनेक्शन क्या होता है और हमारे चंद्रमा के भीतर क्या राज छुपे होते हैं, ये सब आपको इस मूवी में देखने पर मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों एक बार फिर कह रहा हूँ, ये मूवी बहुत ही ऑसम है। इस जैसा एक्सपीरियंस अभी तक नहीं मिला हुआ देखने के लिए। इस मूवी को भी 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये बिल्कुल नई मूवी है। मूवी नंबर 4, द कोर। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सी जानकारी आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगी। बेसिकली ये भी एक डिजास्टर मूवी है। दोस्तों इसमें तबाही बहुत अजीब तरीके से आती है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिससे एक सूरज की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। दोस्तों अगर वो मैग्नेट फील्ड हटा दिया है तो इंसान का सफाया एक महीने में हो जाएगा। दोस्तों हमारी मैग्नेट फील्ड हमारी पृथ्वी के गर्भ में घूम रहे धातु से बनता है। इस मूवी में दिखाया गया है कि वो धातु घूमना बंद कर देती है और जिससे हमारी मैग्नेट फील्ड ब्रेक होने लगती है। आप देखना कि इंसान कैसे इस असंभव काम को एक ऐसी मशीन बनाकर धरती के अंदर जाकर करता है। दोस्तों अगर आपको साइंस में दिलचस्पी है तो इसको आप ज़रूर देखना, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों और ये मूवी भी मज़ेदार है। इस मूवी को सन 2003 में रिलीज़ किया गया था। दोस्तों मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इस मूवी को ज़रूर देखना। मूवी नंबर 3, द डे आफ्टर टुमारो। दोस्तों जिसको भी मूवी अकेले देखना पसंद है उसके लिए खास डिजास्टर मूवी है। दोस्तों इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स इंडिया के भी दिखाए गए हैं। दोस्तों इस मूवी में मौसम में कुछ ऐसा उलटफेर होता है कि इंसान तो क्या, मशीनें भी कुछ ही सेकंड में जमकर गिरने लगती हैं। दोस्तों इसमें एक साइंटिस्ट होता है, वह सबसे पहले पता करता है कि आधी दुनिया ठंड से मरने वाली है। दोस्तों इस मूवी में उस साइंटिस्ट का लड़का उस मरने वाली जगह पर फंस जाता है और वो साइंटिस्ट अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने लड़के को बचाने के लिए निकल जाता है। दोस्तों इसी बीच आपको कुछ ऐसे खतरनाक नेचुरल तबाही वाले सीन देखने को मिलेंगे जिसे देखने के बाद अब बस कुछ नहीं कह पाओगे। दोस्तों कुल मिलाकर ये मूवी बहुत ही शानदार है और दोस्तों ये मूवी आपको YouTube पर भी मिल जाएगी। इस मूवी को 2004 में रिलीज़ किया गया था और इसको IMDb ने 6.4 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10 में से। मूवी नंबर 2, कोलिजन अर्थ। दोस्तों ये भी बहुत ही शानदार मूवी है। पहले ये मूवी हिंदी में नहीं थी लेकिन अब आपको ये हिंदी में मिल जाएगी। दोस्तों इस मूवी में हमारा जो मरकरी ग्रह होता है वो अपने ऑर्बिट से हट जाता है और वो खिसक कर पृथ्वी की कक्षा में आ जाता है, जिससे कि वह पृथ्वी पर टकराने वाला होता है। लेकिन अब आप देखना कि इंसान कैसे इस बड़े ग्रह को बिना तबाह किए रास्ते से हटाते हैं। कुल मिलाकर ये मूवी भी शानदार है। इस मूवी में आपको मरकरी के मूवमेंट से होने वाले खतरनाक सीन देखने को मिलेंगे जो कि इस मूवी को खास बनाती है। दोस्तों इस मूवी को 2011 में रिलीज़ किया गया था। दोस्तों वीडियो भी खत्म नहीं है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। मूवी नंबर 1, 2012 है। दोस्तों तबाही के मामले में ये मूवी आज तक नंबर 1 है और इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है। दोस्तों आपने बहुत समय पहले ये अफवाह सुनी होगी कि दुनिया 21 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो जाएगी। खैर दुनिया तो रियल लाइफ में ख़त्म नहीं हुई, लेकिन दोस्तों इसी कहानी पर बेस एक फेमस मूवी बनी है जिसका नाम है 2012। दोस्तों इसमें दुनिया की तबाही दिखाई गई है जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से होती है और इसके बावजूद भी इंसानी सभ्यता को कैसे बचाया जा सकता है वो भी दिखाया गया है। जब मूवी स्टार्ट होती है तो हमारे सूरज पर एक खतरनाक विस्फोट दिखाया गया है और उस विस्फोट से पृथ्वी की कोर खिसकने लगती है। दोस्तों इस मूवी में कुछ इंडिया के सीन दिखाए गए हैं और दोस्तों जिसने भी ये पता लगाया कि दुनिया ख़त्म होने वाली है वो इंडियन था। फिर जब इंसानों को पता लगता है कि पूरी दुनिया की धरती खिसकने वाली है
और फिर वह अपनी सभ्यता को बचाने के लिए और साथ में बाकी सारे जीवों को बचाने के लिए क्या तरीका अपनाता है, वो आप इस मूवी में देख लेना। दोस्तों मैं फिर से कहूँगा, इसके जैसी कोई और मूवी आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत ही स्पेशल मूवी है और इसको ज़रूर देखना। दोस्तों इस मूवी को 2009 में रिलीज़ किया गया था और इसको IMDb ने 5.8 की रेटिंग दी आउट ऑफ 10 में से। दोस्तों मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इसकी रेटिंग पर मत जाना दोस्तों, ये मूवी बहुत ही ऑसम है। इस वीडियो में जो भी मूवी देखी है, अगर आप वो इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इस चैनल के नीचे मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, जिसमें आप जो मूवी चाहोगे मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ को लाता रहूँ। तब तक के लिए फिट रहिए, बाय बाय।